तो आज की हमारी इस क्लास में बात कर रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में। संग्राम जी, मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, आप रिकॉर्डिंग कर लें। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स की, पहले उसको एक बार देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एबीएस का फॉर्मूला। जैसे कि आपने यहाँ पे वन लिखा हुआ है, माइनस वन लिखा हुआ है, या भी जो भी नंबर प्लस माइनस दोनों में लिखे हैं, आप चाहते हैं कि माइनस जो है प्लस हो जाए, पर प्लस प्लस रखे, तो उसके लिए एबीएस का यूज करते हैं, अब्सोल्यूट नंबर का। तो ए प्लस को प्लस रखता है बट माइनस को प्लस कर देता है। सबसे पहला फॉर्मूला यही है। उसके बाद अगला फॉर्मूला जो इसमें आता है जी सर। एग्रीगेट का। अब देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले जो कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब मैथमेटिकल है, तो छोड़िए, जो जरूरत है उस पढ़ते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला। अब एग्रीगेट फॉर्मूला को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक डेटा चाहिए होगा, तो डेटा पे आते हैं। अब जैसे कि एग्रीगेट से पहले हमें सब टोटल पढ़ना होगा। इसका हमने नीचे मान लीजिए कि टोटल यहाँ दे देते हैं, और टोटल में जनरली आप बोलेंगे सर सम का लगाते, सम निकालना है सम का फॉर्मूला लगाते हैं, बट सम के फॉर्मूले में एक छोटी सी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, जैसे आपका सम यहाँ दिख रहा है, अब मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ, और मान लीजिए फिल्टर में मैं यहाँ पे ऑनलाइन, सर थोड़ा स्लो हो रहा है, आपका आवाज कट रहा है। ये वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है, सर आवाज कट रहा है सर। एक मिनट। ठीक है आवाज सर मेरी? जी सर। सॉरी। तो यहां हम बात कर रहे थे कि जब हमने फिल्टर लगाया, तो फिल्टर लगाने के बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे आप यहां इसका टोटल जो दिख रहा है ओवरऑल दिख रहा है ना सर, बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो विजुअल है सिर्फ उसी का टोटल दिखे, तो यहां हम सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सब टोटल, और सब टोटल में हमें सिर्फ सम ही नहीं, एवरेज, काउंट काउंट है, मैक्सिमम मिनिमम सारे कर सकते हैं। तो इसमें नौ नंबर पे सम है, तो नौ नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए या मैनुअली नौ नंबर लिख दीजिए, और उसके बाद आप अपना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप फिल्टर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इन एक पर्टिकुलर पर्सन इंदर ले लिया, यहाँ पे मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग को ले लेता हूँ, ऐसे हम फिल्टर करते हैं। तो यहां देखिए कि जो विजुअल है उसकी का टोटल आया, बट सब टोटल में एक छोटी सी प्रॉब्लम, सब टोटल में नहीं सारे फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने इनपुट में किसी तरह का एरर दे दिया तो आउटपुट आपका एरर ही आएगा। इनपुट एरर है तो आउटपुट भी हमारा एरर ही आएगा। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एग्रीगेट का फॉर्म। तो एग्रीगेट का फॉर्मूला सब टोटल की तरह परफॉर्म करता है, लेकिन अब तो उसके अंदर एरर को इग्नोर करने का ऑप्शन होता है कि मुझे इसमें सम करना है, बिल्कुल सब टोटल की तरह होता है। इसमें एक ऑप्शन बढ़ जाता है कि आपको इग्नोर क्या करना है। तो हमने जैसे बोल दिया कि एरर और हिडन वैल्यू करनी है, फिर तो अपना डेटा बेस सिलेक्ट कर लीजिए, अब आपका रिजल्ट आ गया, एरर को इसने इग्नोर कर दिया। तो इसका यूज जस्ट हम बड़ी डेटा पे नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा है, और यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, और यहाँ पे मैं
मान लीजिए मुझे इसको डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आपको दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यहाँ नंबर नहीं होता है, जीरो होता है, तो एरर आ जाता है। अब इसका टोटल आप निकालेंगे तो यहाँ इसका टोटल अगर आप निकालते हैं सम फॉर्मूले से तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे हम जो है एग्रीगेट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल एग्रीगेट फॉर्मूला। एग्रीगेट फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सम करना है, और फिर हमने बोला कि इग्नोर करना है इसमें एरर वैल्यू, छह नंबर, नंबर सिक्स, और फिर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो रिजल्ट आ गया इसने इस एरर को कंसीडर नहीं किया। तो एग्रीगेट का यूज इसलिए होता है। अब एग्रीगेट के बाद हम आता है हमारा अरेबिक। अरेबिक का फॉर्मूला, उससे पहले रोमन का फॉर्मूला समझना होगा। जैसे सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, तो इसको अगर आप रोमन नंबर में लिखना चाहें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि 1 2 3 4 इस तरह से। इसको इजीली है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रोमन का, जो कि नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रोमन नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास रोमन नंबर ही आया, कमरान खान जी मैंने अलाउ कर, खान जी मैंने अलाउ कर दिया है, हमारे पास रोमन नंबर है, इसको अरेबिक में कैसे करें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अरेबिक फॉर्मूला, जो कि वापस इसको नंबर में कर देता है। ये हमारा अरेबिक फॉर्मूला के इसी यूज होता है। अब हम बात करेंगे राउंड करने की। जैसे कि यहाँ पे 25 36 हमने कर दिया, और मुझे इसको राउंड करना है नंबर में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। राउंड क्या करेगा, इसको राउंड देगा, मैं जीरो दे रहा होता है, नीरेस्ट दे देगा। जैसे 26 63 है तो 26 के नज़दीक। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास राउंड डाउन का, वो क्या करेगा कि वो लोअर दिखाएगा, 25 दिखाया। और एक होता है राउंड अप, ये हमेशा ऊपर का दिखाएगा, हमेशा ऊपर। अगर 20.01 भी हुआ ये तो 25 दिखाएगा, ये तो हमेशा 25 दिखाएगा, ये आपको 26 दिखाएगा। और 2.09 हुआ तो ये देखिए आपको यहाँ 26 दिखा रहा है, क्योंकि नीरेस्ट है, ये 25 दिखाएगा सबसे लोअर, और ये 26 दिखाएगा। लेकिन बात करें नंबर की, जैसे कि मैं FD कराने के लिए जा रहा हूँ, और मैंने बोला कि भाई 15,283 रुपये की FD कर दो, या फिर 1,15,283 का FD कर दो। बैंकर नहीं करेगा, बैंकर बोलता है कि मुझे 500 का मल्टीप्लेक्स चाहिए। तो इसके लिए आप सेलिंग फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें वो 500 के बिहाफ से लेके और राउंड कर देगा, सॉरी माफ कीजिएगा, सेलिंग मैथ या सेलिंग दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, और यहाँ पे 500 सेलेक्ट कर, ये देखिए 55,500 आया। जैसे एग्जांपल है ना कि आप फोन से बात करते हैं तो 60 सेकेंड का पल्स होता है, तो अगर आप 25 सेकेंड बात करते हैं तो आपको 60 सेकेंड का ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने 120 सेकेंड बात किया तो आपको, सॉरी 61 सेकेंड बात किया तो आपको 120 का देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग या सेलिंग मैथ का इस्तेमाल करते हैं। नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर देना होगा, और कितने का ग्रुप रखना है वो यहाँ पे देना होता है। ये हमेशा अपर दिखता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि अगर 61 है तो 120 दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब तक 120 पुराना हो तब तक वो 60 ही दिखाए, लोअर दिखाना है, तो उसके लिए फ्लोर या फ्लोर मैथ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या फ्लोर मैथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में हमने इसी चीज को देखा कि सेलिंग और सेलिंग मैथ हमने यूज किया। बाकी वही कॉस थीटा साइन थीटा है, डेसिमल है, डिग्री है, आपका फैक्ट है, फैक्टोरियल नंबर दिखाता है, उसके बाद LCM है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, दो नंबर के बीच का डिवाइडर, महत्तम हम लोग बोलते थे ना वो है, इंट आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डेसिमल को रिमूव कर देता है, और इसमें कोई खास नहीं,
पाई पाई का मान देता है, पावर जैसे स्क्वायर वगैरह निकालना हो इसका यूज होता है, प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, रोमन बता ही दिया, रैन रैन बिटवीन तो मैंने पढ़ा ही था आपको, राउंड भी पढ़ा दिया, स्क्वायर रूट देता है, इससे मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको दिखा देगा 4, या 4 दिखा रहा है ना यहाँ पे 4, तो ये आपको स्क्वायर रूट होता है। इसमें एक फॉर्मूला है सब टोटल का, उसको एक बार जान लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी क्वांटिटी है और यहाँ पे मेरा एमआरपी है, कि मैंने 50 पीस जो है 200 रुपए के हिसाब से बेची है, मैंने 32 पीस जो है मैंने 40 रुपए के हिसाब से बेची है, 80 पीस जो है मैंने 44 रुपए के हिसाब से बेची है, अब मुझे इस टोटल कितना है, तो जनरली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस आफ्टर दैट सम करेंगे, तो यहाँ हम सब टोटल का सम प्रोडक्ट, माफ कीजिएगा, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा इसको सिलेक्ट करेंगे। हालांकि ये इसका बहुत ही कम यूज है, एरे फॉर्मूला में इसके हम बहुत विस्तृत रूप को बताएंगे। ये हो गई हमारी नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब बात करते हैं हम स्टैटिकल फॉर्मूला में, जिसमें हम बात करेंगे समीफ काउंटिंग जैसे फॉर्मूले, स्टैटिक्स मतलब कि डेटा समराइजेशन फॉर्मूले। इसके लिए मुझे एक डेटा चाहिए होगा, तो हम यहाँ से डेटा को, इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ हमने इसी पे पेस्ट करता हूँ सी, हम कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे कविता का टोटल क्वांटिटी निकालना है, कविता का टोटल क्वांटिटी, या भी और भी नेम हो सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ नेम को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और हम यहाँ पे डेटा में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं, हो गया। अब मुझे इसमें इसकी क्वांटिटी का टोटल चाहिए, जो कि पिवट टेबल से जनरली हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ का, सम इफ रेंज दिया किसका टोटल करना है, इसका करना है, क्राइटेरिया कौन सा है, तो किसमें नेम मैच किसमें करना है, तो नेम वाले कॉलम में क्या मैच, एक मिनट गलत कीजिए, मैं गलत कर दिया माफी, मैं सम इफ सोच गया था, सम इफ्स लगा रहा था, थोड़ी सी आदत छूट गई है ना सर, तो थोड़ा दिक्कत हो रही, फर्स्ट डे है क्योंकि मैं कोविड से उठा हूँ और 1 महीने 10 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें रेंज कि हमें मैच किस में करना है, क्या मैच करना है और किसको सम करना है, मैं दोबारा बताता हूँ, सम इफ्स, सबसे पहले रेंज किस में क्या मैच करना है और किसको सम करना है, सिंपल निकाल सकते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए कि क्वांटिटी है, तो मेरा बॉस बोल रहा है कि भाई मेरी कंपनी जो है जो ग्रेटर देन 50 पीस सेल किया है उनको हम लोग पर पीस 10 रुपीज का कमीशन देते हैं, तो हमें पता करना है कि कंपनी के ऊपर आखिर कितना रुपए का कमीशन का बोझ पड़ रहा है, मुझे ग्रेटर देन 50 की क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मा लगाऊंगा सम इफ का, सम इफ हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया अपना कि मुझे इसका सम करना है, उसमें नहीं रेंज ये होगा माफ कीजिएगा, हाँ इसी का सम, देखिए यहाँ पे सम रेंज और क्वांटिटी रेंज क्राइटेरिया रेंज दोनों सेम है, और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 50 को सिलेक्ट करके एंटर मार दिया, तो आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 80 का सेल करना है, और इसमें मैं ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगाया, मैं फॉर्मूले भी लगाना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे नीचे हैं, इसके लिए यहाँ पे सम इफ, सबसे पहले यहाँ हमने क्राइटेरिया और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमने ग्रेटर देन को लिया और एंड से इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ।
अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि ऊपर मैंने तीन चीजें दी हैं बट नीचे हमने दो ही दिया है। रीजन इसलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सम रेंज है ये ऑप्शनल है। जब आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही जैसा है तो क्राइटेरिया यहाँ पे सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यूज कर सकते। मान लीजिए इसमें मुझे करना है कि मुझे पूजा है, अब यहां पे पूजा सिंह भी है, पूजा सिंह का टोटल पूजा नहीं लेगा क्योंकि एग्जैक्ट मैच होता है, लेकिन मुझे पूजा चाहिए जो पूजा सिंह के साथ हो तो आप इसमें आप पूजा स्टार लगा लीजिए और यहां हम देते हैं समीफ क्राइटेरिया और हमने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे समझ, जैसे कि हमने आपको वी लुकअप पे सिखाया था वो सेम चीज यहाँ आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे पूजा करते हैं स्टार्ट ये एंड भी पूजा हो गया, अगर आपने पूजा के बाद स्टार्ट लगाया तो स्टार्ट भी पूजा हो गया, और क्वेश्चन मार्क दे दिया तो तीन डिजिट्स हो गए जैसे वी लुकअप पे बताया। लेकिन मान लीजिए मेरे पास क्राइटेरिया ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया कि टीना और हमने बोला कि ग्रेटर देन 50 का टोटल क्या होगा, या टीना प्रोडक्ट में मैं बोलता हूँ कि MB होना चाहिए और ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तीन क्राइटेरिया हो। जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो हम सम इफ नहीं सम इफ्स का इस्तेमाल करते हैं। सम इफ्स हमने बोला सम रेंज, इसमें आपको सम रेंज पहले देना होगा अलग है थोड़ा सा। फिर पहली क्राइटेरिया हमारी नेम है, हमने क्राइटेरिया ले लिया। दूसरी क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट ले लिया। और तीसरी क्राइटेरिया हमारा सेल्स है, इसमें हमने सेल्स ले लिया। एंटर करते हैं, रिजल्ट आपके सामने। तो सम इफ्स के अंदर भी आप ये सारे कंडीशन को यूज कर सकते। समीप के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है काउंट का। देखिए काउंट के तीन फॉर्मूले हैं, जान लीजिए। पहला होता है काउंट जो कि नंबर्स को काउंट करता है और टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, अगर इसे बीच में टेक्स्ट डाल दिया तो काउंटिंग से बाहर कर देगा। फिर आता है हमारे पास काउंट ए, मतलब कि काउंट ऑल, तो नंबर और टेक्स्ट सबको काउंट करेगा। जाता है आपका काउंट ब्लैंक, सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा, नंबर को काउंट नहीं करेगा। लेकिन क्राइटेरिया के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि कविता ये कितनी इनवाइस बनी है टोटल, तो उसके लिए हम काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं कि काउंट इफ और हमने रेंज लिया और हमने कविता को सेलेक्ट कर लिया। इक्वल काउंट इफ हमने कविता को सेलेक्ट किया और हमने रेंज को ले लिया, और हम कभी काउंट इफ में भी सारे जो चीजें जो यहाँ पे दिखाया वो सब चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने सम इफ में किया। लेकिन जब मल्टीपल कंडीशन हो तो वहां पे हम इक्वल काउंट इफ्स IFS का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारी पहली क्राइटेरिया नेम है, हमने नेम को सेलेक्ट किया। दूसरी क्राइटेरिया हमारी है प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। और तीसरी क्राइटेरिया हमारी है सेल्स, सेल्स को सिलेक्ट किया और इसने यहाँ पे काउंट करके दे दिया। उसी तरह से एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे आता है कि एवरेज, एवरेज जो है आपका नॉर्मल एवरेज निकालता है और ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसी में एवरेज ए करें तो वो ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो मान के एवरेज को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन के हिसाब से एवरेज चाहिए कि मुझे पता करना है कि भाई इसका ओवरऑल एवरेज क्या है, मतलब कि 442 इसको डिवाइड करना है 442 से, जैसे हम मैनुअल करेंगे तो इस चीज के लिए आपको यहाँ एवरेज इफ का इस्तेमाल होगा। एवरेज इफ बिल्कुल सम इफ की तरह इस्तेमाल होता है। एवरेज इफ क्राइटेरिया रेंज एंड एवरेज रेंज, बड़ा बताता हूं यहाँ पे एवरेज इफ
क्राइटेरिया, सॉरी यहाँ पे क्राइटेरिया, एवरेज रेंज, और एवरेज इसमें भी ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे अगर मल्टीपल कंडीशन पे एवरेज निकालना हो, तो जैसे सम इफ्स था, ऐसे यहां आपको एवरेज इफ्स मिलेगा। तो एवरेज में यहाँ पे रेंज ऑफ एवरेज ले लेते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री, ऐसे चौथा पांचवा क्राइटेरिया देते जाइए और आपका सम हो जाएगा। ओके, अब इसमें जैसे डेट है हमारा, अब जैन 2020 आपको दिख रहा है, तो मुझे यहाँ जैन का टोटल चाहिए। उसके लिए हमें पहले इसको स्टार्ट डेट और एंड डेट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? तो यहाँ पे वन इन्वर्टेड कॉमा में वन डैश, और हमने इस जैन को लिया और फिर एंड हमने ईयर 2020 डाल दिया, डेट बन गई। फिर ईओ मंथ फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे कॉमा जीरो किया, तो इसकी एंड डेट बन गई। एंड अब मैं यहाँ पे सम इफ्स का इस्तेमाल करूंगा, और हम यहाँ पे सम रेंज लिए, क्राइटेरिया वन रेंज लिया, और क्राइटेरिया वन रेंज में हमने दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू एन परसेंट, हमने स्टार्ट डेट को ले लिया। फिर वापस क्राइटेरिया रेंज टू दिया, और क्राइटेरिया टू में हमने इन्वर्टर कॉमा के अंदर लेस देन इक्वल टू लगाया, हाँ एन परसेंट हमने एन लिया। कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं सर, नहीं सर, तो सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए अब बात करते हैं अगली फॉर्मूला की, वो है रैंक की। रैंक, जैसे मुझे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो आप यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला मैक्स या मैक्स ए लगा के आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। ऐसे आप मिनिमम नंबर का फॉर्मूला लगा के मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलर पर्सन का मैक्सिमम, मैं चाहता हूँ कि पूजा की सबसे मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। ओके, मुझे पूजा की मैक्सिमम सेल कितनी हुई है वो पता करना है। उसके लिए यहाँ मैक्स इफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन मैक्स इफ 2016 से ही मिलेगा। मैक्स इफ, मैक्स रेंज बिल्कुल सम इफ की तरह लगेगा, यहाँ पे सम इफ्स की तरह, माफ कीजिएगा, क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया वन। दोबारा बताता हूँ, मैक्स इफ्स, मैक्स रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया। ऐसे अगर मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे इसमें ज्यादा है, तो यहाँ भी आप मैक्स इप्स लगाएं, मैक्स रेंज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया वन रेंज नेम, क्राइटेरिया वन प्रोडक्ट, क्राइटेरिया टू रेंज प्रोडक्ट, क्राइटेरिया थ्री, और हमने क्राइटेरिया थ्री में ग्रेटर देन 50 ले लिया और यहाँ पे मैक्सिमम निकाल दिया। और इसी तरह से मैक्स की जगह पे आप मिन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मिन इप्स भी होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मिन रेंज हमने लिया, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया थ्री रेंज एंड देन क्राइटेरिया थ्री को लिया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख गए। लेकिन हम बात करते हैं रेंज की, कि मुझे इसमें टॉप थ्री चाहिए, वन टू थ्री का से चाहिए। इसके लिए हमें स्मॉल और लार्ज, ये आपको टॉपर और ये आपके मान लीजिए मुझे बॉटम चाहिए। तो टॉप के लिए आप यूज कर सकते हैं स्मॉल, नहीं लार्ज, लार्ज हमने सिलेक्ट किया अपना डेटा, हमने अपना सिलेक्ट किया अपना नंबर, और नीचे ड्रैग कीजिए ये आपके लार्ज आ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिपीट होगा तो दो ही आएगा, तो रिपीट नंबर होगा तो वही दिखाएगा। ऐसे बॉटम के लिए स्मॉल हमने सेलेक्ट किया इसको और हमने ले लिया स्मॉल, हमारा स्मॉल आ गया। फिर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते,
ये हमारे डेटा आ गए। देखिए मुझे रैंक निकालना, मुझे पता करना है कि 68 का इस टेबल पे क्या पोजीशन है, तो उसके लिए हम यहां यूज करते हैं रैंक। रैंक, रैंक में नंबर होता है, रेफरेंस होता है और ऑर्डर कि आपको टॉपर में देखना है बॉटम में देखना है, असेंडिंग है डिसेंडिंग। तो फिलहाल डिसेंडिंग है देते हैं तो 8 नंबर, मतलब कि मैं यहाँ 8 नंबर दूं तो आपको 68 दिखेगा। अगर मैं इसी को डिसेंडिंग कर दूं 0 के जगह पे 1 कर दूं तो यहाँ पे 35 नंबर है, मतलब कि मैं यहाँ 35 देता हूँ तो यहाँ 68 है, आपका रेंज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आपने अभी भी देखा कि हमने इसलिए सम इफ काउंट इफ जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल किया, लेकिन कभी कभी जब हमें बल्क में चाहिए होता है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे छोटा सा डेटा लेता हूँ, अब मुझे क्या करना है कि मुझे नेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, सेल्स मोड है, चार हम यहाँ पे लेते हैं क्राइटेरिया। अभी क्या है कि मुझे क्या टोटल चाहिए, लेकिन मेरे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सेल्स मोल ऑनलाइन होना चाहिए और ग्रेटर देन 50 का सेल होना चाहिए, नेम पूजा होना चाहिए और प्रोडक्ट में हमने बोल दिया कि प्रोडक्ट में सीडी होना चाहिए। ओके और यहाँ पे ऐसे ही और भी हो सकता है कि इसमें मान लीजिए कि सेल्स मोड होना चाहिए रेफरेंस और प्रोडक्ट होना चाहिए मान लीजिए रैम और ग्रेटर देन लेस देन 50 होना चाहिए। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस है तो यहाँ पे आपको एक एक करके सम इफ लगाना होगा, एक एक करके यहाँ सम इफ लगाना होगा वन बाय वन। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे हम डी सम का फॉर्मूला लगा दे, इसको बोलते हैं डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। इसके सारे कैटेगरी के फॉर्मूले लगाना एक ही जैसा हो। सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है कि आपका जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है फील्ड कि किसका टोटल निकालना है, तो हम मुझे क्वांटिटी का मान लीजिए टोटल निकालना है। और फिर क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया सिलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि हेडिंग को सिलेक्ट करना जरूरी है, अगर आप हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे मुझे डी काउंट चाहिए तो डी काउंट हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, बस लगाने का तरीका सब है, डी काउंट, डी सब, डी मैन, डी मैक्स, सबका लगाने का तरीका एक ही जैसा है। इसी तरह से आप डी के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं कि डी काउंट लगा सकते हैं, काउंट लगा सकते हैं, डी मैक्स लगा सकते हैं, डी मिन लगा सकते हैं, डी एवरेज लगा सकते हैं। तो डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला लगाने का तरीका सेम है। कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? नहीं सर। ओके अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूले की। इंफॉर्मेशन फॉर्मूला देखिए, इसमें जैसे कि एक फॉर्मूला आता है सेल, इसमें इसका एक बार देख लेते हैं वन बाय वन फॉर्मूला। इसमें यहाँ लिस्ट में कुछ छूट ना जाए, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला में सेल फॉर्मूला होता है, सेल से रिलेटेड इन्फो आप दे सकते हैं। तो जैसे कि इसमें ये फाइल है, मुझे मान लीजिए कि जो हम यहाँ पे सीट नेम लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया जैन, तो जो भी सीट नेम है मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो होना चाहिए। तो सेल फॉर्मूला क्या करता है कि यहाँ पे अगर मैं फाइल फाइल नेम को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कीजिए तो कंप्लीट पाथ आता है विद सीट नेम, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद सीट नेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फाइन फॉर्मूला लगाएंगे, फाइन फॉर्मूले में क्लोजिंग ब्रैकेट को देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा स्टार्ट नंबर 37 आ गया। अब मैं इसमें राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसमें से इसकी जो कंप्लीट लेन है, द टोटल ट्रैक्टर है, उसमें से फाइन ने जो रिजल्ट दिया है उसको माइनस। तो ये एग्जांपल इसलिए मैंने बताया ताकि आपको पता हो कि इंफॉर्मेशन फॉर्मूला अकेले काम नहीं करता है,
उसका अकेले कोई यूज नहीं है, लेकिन किसी फॉर्मूले के साथ मिलता है तो इसका अच्छा खासा यूज है। ये हम आपको रिपोर्ट, और एक बार सर समझाए, अरे क्या बोला है, और एक बार सर से फॉर्मूला। सिंपल सी बात समझिए कि जो सेलिंग फॉर्मूला है वो आपकी फाइल की लोकेशन, अगर फाइल हम देते हैं तो फाइल की लोकेशन बताता है विद सीड नेम। फिर हमने फाइंड का फॉर्मूला लगाया, इसमें से क्लोजिंग ब्रैकेट का पोजीशन हम निकाल लिया तो पोजीशन आ गया 36। फिर हमने यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगाया, हमने बोला कि जो पाथ है इसमें से जो इसकी जो लेंथ है टोटल, मतलब कि सी से लेके एन तक की, उसमें से सी से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक का माइनस, पाथ को माइनस कर दो, जिसका रिजल्ट आपको दिया है किसने, फाइंड ने। ठीक यहाँ पे आ गया, ठीक यस सर समझे। तो जी सर। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपका एरर टाइप है, ये बताता है कि आपका कौन सा टाइप का एरर है। इन्फो आपका बताएगा पीसी का क्या कॉम्प्लिकेशन, पीसी में कौन सा डला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्सेल का रिलीज कौन सा है, और बाकी जो फॉर्मूले दिख रहे हैं वो बस ट्रू एंड फॉल्स है। देखिए, इज ब्लैंक ब्लैंक हुआ था ट्रू, इज एरर एरर हुआ था ट्रू, एन ए को छोड़ के इज एरर हर तरह के एरर का ये कर देगा ट्रू एंड फॉल्स। इज इवेन इवेन नंबर हुआ तो ट्रू, इज फॉर्मूला सेल में फॉर्मूला लगा है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, एन ए है तो ट्रू, नॉन टेक्स है तो ट्रू, तो सब रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में ही देता है। इसका यूज हम आगे के फॉर्मूले जब रिपोर्ट ऑटोमेशन करेंगे तो इसका यूज करेंगे। ओके, क्लियर है। जी ओके, अब हमारे लास्ट कैटेगरी जो बचती है वो बचती है इसकी, फाइनेंशियल फॉर्मूला। लेकिन मैंने आज बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए होगा, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल 9:30 हम कनेक्ट करेंगे और हम कल बात करेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूला एरर फॉर्मूला के बारे में। जी सर।